जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जो चाहे कहो पर जरा देखभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के। मैं गवर्नमेंट का अफसर हाँ, हिंदी भाषा सीखता हाँ। हिंदी मेरी कच्ची पर एक्टिंग मेरी अच्छी। हम हांगकांग से आया बड़ी, इतना डॉलर लाया। बिना धीरे से कहो टैक्स वालों से बचो। कोई सिंधी कोई पारसी कोई रूसी तो कोई अरबी, कोई ब्रिटिश राज का राइटर तो कहीं मद्रासी अभिनेत्री, एक एयर होस्टेस एक कॉन्ट्रैक्टर मिलके बोले का खागा, सबके मन में है अभिलाषा मिलके सीखे हिंदी भाषा। But man, don't make tamasha. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Ruslan, happy birthday to you. Very nice, very nice, very nice. अच्छा तो मतलब मिस्टर असलान की बर्थडे पे सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं। वेरी नाइस, लेकिन मिस्टर असलान कहाँ है? आज शाम की पार्टी की तैयारी में मसरूफ है। आपके हाथ को क्या हुआ? मेरा गर्लफ्रेंड मुझको फूल मारा। अरे फूल से इतनी ज्यादा चोट लग गई कि फ्रैक्चर हो गया। फूल फूल डान का पीछा था। रसलान का पार्टी में नाच गाना मजा होता है। सर सर सर, तो उसका बर्थडे के लिए हमने एकदम टंडन ओरिजिनल एक गाना लिखा है। नहीं नहीं सर, इधर सुनो ना सर प्लीज। आज मेरे यार का बर्थडे है, आज मेरे यार का बर्थडे है। अच्छा बस बस बस, बहुत हो गया कूदना आपका, बैठ जाइए। मोहन जी, रसलान साहब आए थे, बहुत परेशान और घबराए हुए थे, चिट्ठी और केक देकर के गए, बोले बाद में फोन करूंगा। ठीक है, आप केक वहाँ पे रख दीजिए, मैं चिट्ठी पढ़ के देखता हूँ। मोहन सर और दोस्तों को मेरी सलाम। कल रात हमारी भाई भाई आ गई, वो हमारी शादी जबरदस्ती अपनी विडो मदर इन लॉ से करना मांगती क्योंकि उसके पास पैसा है। भाईजान ये चाहती कि हम उस पैसे का वारिस बन जाए, लेकिन हमको ऐसा नहीं मानती, इसी वास्ते हम कल रात ही घर से भाग गई। सर हमारा भाईजान बहुत टाइम स्कूल को आएगी, उसको वहां से उतारना प्लीज। हमारा बर्थडे पार्टी हम आज वैसे ही नहीं सेलिब्रेट कर सकेगी, उसके वास्ते माफी। आपकी रसलानी। अय्या सर, ये टिंगू कितना लीची। लीची लीची मतलब ग्रीडी। ग्रीडी लीची नहीं होता है, ग्रीडी होता है लालची। यस सर, अपना भाई का शादी बुड्ढी से करना मांगता। किधर है बल्ला, आज हम गोली मार देगी। कौन 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 किधर है? रसलान की बच्ची। रसलान की बच्ची? अरे रसलान की आज तक शादी तो हुई नहीं, तो बच्ची कहाँ से हो जाएगी उसकी? शादी बनाने को आई, लेकिन वो हमको धोखा देकर भाग गई। तुमने बुड्ढा थे ने जवान छोकरी के साथ शादी करिया, और ने रस भाई की शादी बुड्ढी के साथ करवाना चाहते छो? तुम्हें मानस छो की जनावर? हमको जनाना बोलती, हमको जनाना बोलती, हम तुमको जनाना दिखती। ए डोबा, हम जनावर बोला, जनाना नहीं। वो चलेगा, लेकिन हमको जनाना नहीं बोलती, वरना हम और शादी कर लेगी। बड़ा यार दिल जिगर वाला बंदा है, और शादी पे शादी किए जा रहा, एक हम है एक ही हमारे गले का फंदा बनी हुई है। बच्ची शादी के लिए दिल जिगर नहीं, कुछ और होना चाहिए। होना किस तरह की जबान बोल रहे हैं आप यहाँ पे? और आप पता नहीं ये क्लास में लड़कियां वगैरह बैठी हुई। चलिए चतुर्वेदी जी, आप ऐसा कीजिए, इनको ले जाके जरा बाहर बैठाई। हम बाहर नहीं जाएगी, हम इधर ही बैठेगी, रसलान का बच्ची का इंतजार करें। अरे देखिए देखिए सुनिए, रसलान वहीं दरवाजे से ही तो अंदर आएंगे, तो बाहर बैठिए, आपको दिख जाएंगे वो। चलिए ले जाइए इनको बाहर। हम बाहर बैठती है, और रसलान का बच्चा को पकड़ के ले जाएंगे। अरे अरे, ये दिखने में तो है छोटी, लेकिन है बहुत बड़ी मुसीबत। आप पता नहीं बेचारे रसलान का क्या होगा। हेलो, हाँ मिस्टर रसलान कहिए। मैडम मैं बहुत मुसीबत में फंस गई मैडम। हाँ हम जानते हैं, आपके भाई साहब ना दो दिन से यही डेरा डाले बैठे हैं। मैडम आप उसको बताओ। मैडम मैं किसे बताऊँ? फुटाने की बात करती मैडम। ओ ओ फुटाऊँ, अच्छा। मैडम जब वो वापस सर भी जाएगी
तब हम वापस क्लास में आ सकते। हाँ हम जानते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप हमें फोन करते रहिए, हम आपको खबर देते रहेंगे। देखिए आप परेशान मत होइए, हिम्मत मत हारिए, समझे? भाई समझी मैडम, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। अभी हम लोग को लगता है कि रसलान इधर में कभी नहीं आएगा। वो अरे रसलान मालूम नहीं किधर को आएगा, उसके पास खाने को भी होएगा कि भूखा मरते होएगा मालूम नहीं। ये बोलती उसका पॉकेट में वर्ल्ड का हर बैंक का क्रेडिट कार्ड होती, वो भूखा मरती, वो इधर आएगी, जरूर आएगी, हम जानती। शेख भाई तमे यहाँ खोटे खोटे टाइम वेस्ट करता छे, रसलान भाई आवेगा तो हम सब तुमको बोल देगा। सॉरी सॉरी शेख भाई, वो जानी जाने नहीं किया। साफ बता, साफ क्या करती, सफाई करती कि हमको मारती? ये लो शेख साहब चाय। क्या करती हम पर चाय गिराती? देखा चतुर्वेदी चढ़या, शेख साहब का इतना कीमती कपड़ा तुमने गंदा कर दिया। अरे तो गंदा किया तो धो जाएंगे। कुछ पहनने की क्या जरूरत है? तू शर्माता क्यों है, तू जनानी है? अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करा। चतुर्वेदी ले जाके दोरे को डाल दे, बाद में सुखा दे इसको। सब देखेगी तो क्या बोलेगी? आज हम तुमको अपना बैठने का जगह देता है, तुम अपना शरीफ इधर में रखो प्लीज। हम इधर नहीं बैठेगी, हम पीछे बैठेंगे। तुम प्लीज इधर में बैठो ना। नंगा आदमी को अपने पास नहीं बैठाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट इसको इधर बिठाना बहुत मुश्किल है। तुम जाने को इधर करना, तुमने ही तो हमारे कपड़ा उतारी, अभी दूसरा भी उतार दूंगा। अरे ये बच्चा किसका? बच्चे नहीं, कपड़े भाई। आपको शर्म नहीं आती इस तरह से नंगे आकर आप यहाँ बैठ गए हैं? तमीज नहीं है आपके अंदर के स्कूल में किस तरह कपड़े पहन के आना चाहिए? हम कपड़े पहने क्या, कहना क्या चाहते हैं? कौन से कपड़े पहने आपने? ऊपर से तो नंगे हैं आप, बिल्कुल कितने बेशरम हैं आप। अरे क्या सुनाना चाहते हैं आप मुझे, क्या सुनाना क्या चाहते हैं आप मुझे? कि आपके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत मेवे और बादाम खाए आपने, बहुत सी माजूने खाई है आपने अपने आप को जवान रखने के लिए, बहुत गर्मी बाहर फूट पड़ रही है आपकी। अरे हमारे बात सुनती? अरे क्या करूंगा सुन के, मैं इतने बेशरम आदमी है, नंगे होकर सबके सामने आके बैठ गए उस चलेने के लिए। बात हम बाहर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अरे कैसे नहीं जाएंगे आप, ये आपके बाप का स्कूल है, चलो निकलो। अरे बाप की निकलो। नहीं हम नहीं जाते। क्या है, क्लास है या कुश्ती का अखाड़ा? मैडम मैं इस आदमी को इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ क्लास के अंदर नहीं बैठ सकता, चले बाहर चला जाए, जाते नहीं। आपको शर्म नहीं आती? एक तो आपने कपड़े नहीं पहने और दूसरे आप लड़कियों के सामने क्लास में बैठे। अरे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स आने वाला है इंस्पेक्शन के लिए। क्या बात कर रही है मैडम, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स? अरे वो तो बहुत ज्यादा सख्त आदमी है, अब हम सब लोगों की नौकरियों का। शेख साहब आप प्लीज बाहर चले जाइए, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। हम नहीं जाती। आप बेगैरत आदमी है। क्या बोलती? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं मैडम, हम लोगों की नौकरियों का क्या होगा, कुछ तो कीजिए, किसी तरह से उनको रोक दीजिए प्लीज। समझ में नहीं आता वो हम क्या करें। इंस्पेक्टर साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, आई मीन गुड इवनिंग सर। शराब, ये हिंदी की क्लास है। आई एम सॉरी, मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ सर। नमस्ते। वेरी बैड स्कूल, वेरी बैड स्कूल। सेक्रेटरी नोट करो। जी सर। मैं जो बोलता हूँ नोट करो। सर आपके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करके आए। सर मैं भी जाता हूँ। आप कहाँ आ रहे हैं? आप यहीं पर रुको। आप कौन है? ये आप चुप रहिए, मैं तेलुगु से बात कर रहा हूँ। आप क्लास में नंगे किस बैठे? नहीं, इनका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। सेक्रेटरी नोट करो। यस सर। यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट लिए जाते हैं क्लास में जिनका एडमिशन नहीं होता, इसका मतलब इनसे अंडर टेबल फीस ली जाती है। नोट करो उसे। स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ? वो दाएं बाएं ऊपर नीचे, वो मैडम के कमरे में होगा सर। होगा का क्या मतलब, यहाँ पर रोज अटेंडेंस नहीं ली जाती?
सेक्रेटरी, मैं स्कूल को बंद करवा दूंगा। ऐसा मत कीजिए सर, वरना मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? हम झूठ बोल रहे हैं। अरे मतलब अभी नहीं है तो आने वाले दिनों में तो हो जाएंगे ना। मैं स्कूल बंद करवा के ही रहूंगा, स्कूल बहुत खराब चल रहा है। नहीं नहीं सर, हमारी स्कूल चलता नहीं थे, ये तो क्या नहीं क्या थे, वो रोज देखती छू। ये देखिए, ये इन्होंने हिंदी सीखी है, चलने का मतलब नहीं समझते। सर सीख रहे हैं, सीख जाएंगे सर। हम लोग को मालूम है चलने का मतलब क्या है, पैर ऊपर नीचे करने का और आगे बढ़ने का। दिमाग चलता है कि नहीं? दिमाग सर? अयो दिमाग कैसे चलेगा जी, दिमाग खोपड़ी के अंदर बंद होता ना। सेक्रेटरी नोट करो, नहीं दिमाग चलाना ही मुहावरा नहीं आता। जी सर नोट कर लिया, इन्हें दिमाग चलाना नहीं आता। तुम बेवकूफ हो, दिमाग चलाना ये मुहावरा नहीं आता। जी सर। सर 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 मेरा ख्याल है कि चलिए कुछ नाश्ता वास्ता कर लीजिए, अब काफी ज्यादा पकपक हो चुकी है। हम चुप रहो, हम नाश्ता का रिपोर्ट भी खराब ही लिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है तुम्हारे यहाँ नाश्ता भी हमें खराब ही मिलने वाला है। सर 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 आपकी मूंछ उतर गई। क्या बकवास करते हो मेरी पूंछ? सेक्रेटरी नोट करो, इन्होंने मेरी मूंछ को पूछा। मूंछ उतर गई है। आप हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। सर सर प्लीज सर सुनिए सर। देखिए पगड़ी तो ठीक पहनी आप, बस अब आप ये अच्छा बताइए बोलेंगे कैसे आप? ए खोटे किधर जा रहा है? खोटे नहीं खोचे, खोचे हर बात में बस खोचे लगाते ऐसे जब। ए खोचे किधर जा रहा है? खोचे 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 बस खोचे लगाते खोचे 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 ए खोचे किधर को जाती? हाँ वेरी गुड। ए खोचे चल बाहर निकल। हाँ मैं सच ना, आप ऐसा आप ऐसा कीजिएगा कि अगर कोई यहाँ आ जाए तो ऐसा दिखाइएगा जैसे ये शराब के अड्डे का काउंटर है और यहाँ पर पैसों का लेन देन होता है। ओके ओके। और अगर शेख साहब आ जाए तो आप फौरन घंटी बजा दीजिएगा यूं। कैसा लग रहा है वाह, तुम लोग तो सारे के सारे गुंडे दिखाई दे रहे हो, एकदम ओरिजिनल। ए मोहन तुम लोग इधर क्या करता है? क्लास का टाइम हो रहा है, जाओ क्लास में। वाह मैडम आपने तो कमाल कर दिया भाई, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं आप लिली आंटी। क्या समझे? नहीं आपके बारे में अपनी राय तो मैंने फौरन बदल दी। क्या मतलब? ये है कि अगर आप निम्न स्कूल की प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर आंटी का अड्डा खोलने में बहुत तरक्की करेंगे जिंदगी में। ये सारा बेड़ा क्लास में जाता है कि दो उठा के चलो 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 क्लास। चलिए चलिए बैठ जाइए सब लोग आराम से अपनी अपनी जगह। हाँ हाँ चलिए कुछ पढ़ाई करेंगे, हैं पढ़ाई करेंगे कुछ। मुहावरा है बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। मिस्टर वासवानी वाक्य बनाइए। जब हम कोई बुरी बात सुनता है तो उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। वेरी गुड वेरी गुड। ये मिस्टर पाली ये आप क्या कर रही हैं? ये आप अपने कान को बार बार झटका क्यों दे रही? हाँ अब सर हूँ कान में झटका देने मारी होने वाली सास का जो खराब बात सांपड़ा छे वो निकालना चाहती छू, पर खराब बात अजय सुधी मारा माथा में जमा छे। देखिए भाई ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बात को अनसुनी कर देना। सर 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 एक दूसरा मुहावरा है सांप के मुंह में चुचुंदर बन के रहने का, इसका मीनिंग मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि किसी ऐसे काम में फंस जाना जिसको करने से भी नुकसान हो और ना करने से भी नुकसान हो। जैसे कहते हैं कि सांप जब चुचुंदर को मुंह में ले लेता है तो पछताता है, क्योंकि अगर खा लेगा तो मर जाएगा और नहीं खाएगा तो अंधा हो जाएगा। अब इस मुहावरे को कहावत की तरह इस तरह इस्तेमाल करेंगे, सांप के मुंह में चुचुंदर न उगले बने न निगले बने। ये क्या होगी? किधर को जाने को मांगता? वो हमारे ब्रदर रसलैन इधर को पढ़ती, हम उसको मिलने मांगती। यहाँ पर स्कूल नहीं होता, लीली आंटी का दारू का अड्डा होता। क्या बकती, स्कूल किधर गई? खत्म हो गई। यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होता, इसलिए इंस्पेक्टर आया स्कूल बंद कर दिया। हमारा लीली आंटी इसको खरीदा और यहाँ पर दारू का अड्डा चलाता। वो हम तुम्हारे लीली आंटी से मिलने मांगती। क्या तमाशा लगा रखा है रे? हम इसको बोलता पर सुनता नहीं।
क्या एक कान के नीचे? आंटी इधर एक स्कूल होती, हमारा ब्रदर रसलान इधर को पढ़ती, हमको यकीन वो इधर जरूर आएगी, हमको इधर बैठने दो। शराब पिता क्या? वही लाहौल बिल्ला कुवत, लाहौल बिल्ला कुवत, अल हराम अल हराम, हम शराब को हाथ भी नहीं लगाते। तुम इधर नहीं बैठ सकता। लीला हमको बैठने दो, तुम जितना पैसा मांगेगी हम तुमको देगी, लेकिन हमको बैठने दो। नहीं नहीं चलेगा, हम अंदर को बैठ। क्या करूं इस रसलान के भाई का, मेरी समझ में नहीं आता। ए गुलाबो ए नोटक डाल इधर चल। ए चमड़ा की समय जाती पैसा है, है? चमड़ा पहले का भी बहुत पैसा बाकी है, चल निकल। दारू डाल, बस पैसा होएगा तब अपन देगा। ए बिजू इधर में फुकट कर दारू नहीं मिलता, समझा? ये गुलाबो तो पैसा नहीं देता, मैं देखता हूँ। लाइन छोड़ रहा है, छोड़। ये नहीं छोड़ेगा जा। अरे छोकरे का हाथ जोड़ नहीं था, देख अपने पास पैसा नहीं, आंटी को बोलने का तो जाग के बोल जा। अरे पैसा तो तेरा बाप ही देगा। अरे 10,000 का यार, क्या करता है? तो ठीक है ना, पहले का भी चुकता हो गया और अब का भी चुकता हो गया। बुलाओ साले को। उधर क्या खड़े रहे, इधर आकर बैठना। दारू क्यों? दारू नहीं पीती। अरे साला दारू नहीं पीता तो इधर क्या लड़कियों को छेड़ने के लिए आए? लड़की की तरह वाक उड़ा के देखा, इधर आओ मेरे गोदी में बैठ कर। छोड़ मने। अरे बेटी क्या देखेगी तो क्या तू गंदी हो जाएगी। चुप रहो, सबको पिलाता है, आज हम चुप दोनों को पिलाता है। एक कोड़ी छोड़ मने। क्या कोड़ी बोलता है हमको? अरे भगड़िया उधर नौटंकी क्या होता है? अरे किसी झोपड़ी की तरह भागड़ा कर देगा ना तो पकड़ लेगा। बाहर को हो सकता है दारू पियो का डांस देखो, मेरे दारू एक बर्फ नहीं है, मैं डांस की रहा है। दारू में पैर ही नहीं मिला है। घड़ी घड़ी तुम चाकू निकाल, आंटी को बोला हमको डांस मांगता है। तो हम दूसरे आंटी के पास जाएगा, उधर हमारा खाल डांडा में है, इधर हमको अंडा भी मिल जाए, हमको डांस मांगता है। हेलो कौन बोलता है दादा? भागो सभी इधर से, पुलिस का रेड होने वाला है। आंटी के कमरे के अंदर चल जा, चल जा, चल जा, चल जा, बताता हूँ ना। और तू इधर खड़ा जा, और तू जाना अंदर, खड़ा बोलता है ना, बाकी सब फिट है ना। हम किधर जाती? अभी हम जाती बाथरूम के अंदर, और तू इधर से बाहर निकल ले, अगर बचना चाहता है तो, समझा गया? कोई बल्ले की आवाज करती, हम उधर जाती, उधर से पुलिस आती, हमको गिरफ्तार करती। नहीं नहीं ये आइडिया अच्छी, हम भी भूत बन जाते। इधर भाग रहा है, भागा तो गोली मार दूंगी। कोई बल्ले, हम इधर शराब पीने नहीं आती। शराब हवलदार हर तरफ जाके देखो, जो भी मिलेगा उसको पकड़ के ले चलो पुलिस स्टेशन। यस मैडम। हम भी जाती। कहाँ जाती? तुम चलो पुलिस स्टेशन, तुम्हें हम बताती। हम कसम कहती शराब अलहराम, अलहराम हम नहीं पीती। अच्छा फिर यहाँ क्यों आया? मैडम सब जोर देख लिया, कोई नहीं है। कोई नहीं है, ठीक है, इस शेख को ले चलते पुलिस स्टेशन। मुसीबत यहाँ से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हम तुमसे एक बात बोलते हैं। हाँ बोलो।
बखुदा कसम खुदा की हम तुम्हारी जैसी हसीन खूबसूरत इंस्पेक्टर आज तक नहीं देखी। मुल्ला तुम औरत नहीं चांद के टुकड़े हो। शट अप, एक ईमानदार लेडी ऑफिसर को झूठी तारीफों की रिश्वत देते हो। हाँ लीला हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। अगर तुम हमको जेल में डालेगी तो हमारी चार बीवियों को क्या होगी। हाँ ठीक है ठीक है, इस बार छोड़ देती हूँ, लेकिन आइंदा यहाँ पर दिखाई मत देना, समझे? नहीं दिखाई देगी। जिधर निकल लो यहाँ से पतली गली से, समझे ना? शुक्रिया शुक्रिया। बिरादर ये पतली गली किधर? और रसलान वो यार तू किधर है, कहाँ है? भाई तो बहुत मुसीबत में फंस गई। नहीं नहीं देख यार तू रोना नहीं है, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगा। मेरे को तो, अरे बाबा रसलान देखो हिम्मत से काम लो। हाँ बड़ी हिम्मत से काम लो। हमको आज रात अमेरिका को जाना पड़ेगी। हमारे भाईजान हमारे पीछे बहुत बड़ा प्राइवेट डिटेक्टिव छोरी है। आज का अखबार में एडवर्टाइजमेंट था, जो भी हमको ढूंढेगी उसको 5 लाख रुपया मिलेगी। नहीं रसलान बाबू, रसलान बाबू तुम जाना, तुम जाओ, तुम एकदम घबरने का नहीं क्या? जो घबर गए सो मर गए, मालूम नहीं तेरे को। हाँ तेरे को कोई तकलीफ होएगा ना उधर, तो हमको कारक डाल देना। रूपाली बोलते तुम्हारा मोटा भाई इधर से जाएगा तो तुमने पत्र लिखे जा। लेकिन हमारे हिंदी बहुत कमजोर हो जाएगी। हम जाती रसलान, हम कहेगी हम तुम्हारे लिए एकदम तद्दन ओरिजिनल गाना रखा है रसलान। हाँ जल्दी सुनाओ केकी, क्योंकि हमारा फ्लाइट का टाइम होगी। प्लीज क्विकली क्विकली। परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के फिर मिलेगी तो। चलो चलो चलो, शेर साहब आने वाले लड़कियों, चलो तुम नाचना शुरू कर दो। शेर तू बार बार गाय को आना आता है भाई। वो हम इधर आती है क्योंकि हम जानती हमारी बिरादर रसलान इधर जरूर आएगी। उसको मालूम नहीं हिंदी पढ़ाने की स्कूल बंद हो गई। ठेगा ठेगा दारोगा, एक भेड़ो तुम्हारा इधर नाटक नहीं चलेगा क्या? इधर पुलिस का बहुत लफड़ा है। लिली आंटी तुम अपना ये शराब खाना बंद करती, हम तुमको पूरा पैसा देती और फिर से हिंदी पढ़ाने के स्कूल शुरू करती। ए, देख देख क्या बोल रहे हैं, स्कूल चालू करने के बाद दिमाग खराब हो गया। लड़के लाल जम के नाचो क्या? मैनेजर मेरे पास बात नहीं था यार, अब नहीं चाहता। जम के पियो पूरे का पूरा, ये ले मजा आएगा। पियो क्या? अपनी जगह से नहीं लेगा, ले दो सबको पुलिस स्टेशन। पुलिस का जी तुम लोगों ने बिना लाइसेंस के शराब का अड्डा खोला हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस नहीं, और मैं यहाँ के प्रिंसिपल हूँ। और मैं यहाँ का टीचर हूँ मोहन भारती। झूठ बोल रहे हैं तुम लोग। नहीं 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 झूठ नहीं बोल रहे हम। आप शेख साहब से पूछे, शेख साहब उठिए, बताइए। पुलिस के बच्ची पुलिस हम लेके आई। बताइए एक शर्त पर बोलती, तुम लोग हमको वाद करो हमको दोबारा परेशान नहीं करेगी, और हम अपना मर्जी से जब चाहेगी स्कूल आएगी, जब चाहेगी जाएगी। मंजूर? ठीक है मंजूर। ठीक है किस पुत्र को बच्ची इधर को आती? ओके ओके ठीक है चलो अल्लाह। अच्छा शेख साहब खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उम्मीद देखिए वादी से मुकरने नहीं नहीं मंजूर। हाँ तो क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैं क्या पढ़ा रहा था आप लोगों को? हाँ हम लोग मुहावरे पढ़ रहे थे। मुहावरे सर सर, वो सांप के मुंह में छुचंदर उसका वाक्य बनता ही नहीं है नहीं? अरे उसका वाक्य तो इस हालात में बहुत ही आसान है शेख साहब, हम सब लोगों के लिए सांप के मुंह में छुचंदर हो गए, ना तो निकलते बनते हैं और ना ही उगलते। ये बोलती
संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जो चाहे कहो पर सब एक पाल के। जबान संभाल के, 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 जबान संभाल के।